गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज ई वी एस ऑफ क्लास सेकेंड एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन सिक्स हाउसेज वी लिव इन। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो नीड फॉर हाउसेज, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव इन, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। तो क्या है कि हमको, हम सबको एक घर चाहिए रहने के लिए, और वो हमको किससे बचाता है? गर्मी, ठंड, पानी, तूफान, जंगली जानवर और चोरों से। इट गिव अस शेल्टर एंड रेस्ट, वो हमको शरण देता है और आराम करने का मौका भी। वी फील सेफ इन अ हाउस, और हमें घर में सुरक्षित महसूस होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ हाउसेस, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाउसेस, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो कच्चा, दो तरीके के घर होते हैं, कच्चा हाउस और पक्का हाउस। अब कच्चा हाउस क्या होता है? कच्चा हाउस इज़ अ टेम्पररी हाउस। तो कच्चा हाउस जो होता है वो टेम्पररी, मतलब ऐसा होता है कि वो परमानेंट नहीं होता, तो कभी भी टूट टूट सकता है। दे आर मेड ऑफ मड, बैम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राई लीव्स। तो वो बनता है गोबर, बांस और ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों से। दे आर वीक हाउसेज, वो कमज़ोर घर होते हैं। हट इज़ मड हाउस मेड ऑफ स्ट्रॉ, बैम्बू, ड्राई लीव्स एंड वुड। तो जो झोपड़ी होती है वो बनती, झोपड़ी जो होती है वो कच्चा हाउस ही होती है। इट इज़ फाउंड इन विलेजेस, और वो ज़्यादातर गाँवों में ही पाई जाती है। अब ना, पक्का हाउस, पक्का हाउस आर परमानेंट हाउसेज, दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, आयरन एंड वुड। तो जो पक्का हाउस होते हैं, परमानेंट हाउस होते हैं, वो ईंटें, सीमेंट और कंक्रीट से, लोहे से और लकड़ी से बने होते हैं। दे आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज, वो स्ट्रॉन्ग, मजबूत घर होते हैं। पक्का हाउसेज कैन बी सिंगल स्टोरीड, मल्टी स्टोरीड और बंगलो। तो जो पक्का हाउस है वो या तो सिंगल स्टोरी हो सकता है या मल्टी स्टोरी हो सकता है, बंगलो हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये सिंगल स्टोरी है, एक एक खंड का, ये मल्टी स्टोरीड है, ठीक है, और ये है बंगलो। ओके, नाउ सम स्पेशल हाउसेस, अ टेंट इज मेड ऑफ कैनवास, इट इज़ यूज्ड फॉर कैंपिंग बाय सोल्जर्स और कैंपर्स। कुछ स्पेशल हाउसों में हाउस भी होते हैं, जैसे कि एक टेंट है, टेंट होता है जो कि कैनवास से बना होता है, और उस वो कैंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके द्वारा? सोल्जर्स के द्वारा या कैंपर्स के द्वारा। इग्लू इज़ अ हाउस मेड ऑफ स्नो, इट इज़ फाउंड इन एरियाज दैट आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर। तो इग्लू वो घर होता है जो कि बर्फ़ से बना होता है, और वो ऐसे एरियाज में फाइंड होता है जहाँ पर, ऐसे एरियाज में मिलता है इग्लू हमको जहाँ पर साल साल भर बर्फ़ गिरती है। वी फाइंड स्टिल्ट हाउसेज इन प्लेस वेयर इट रेन्स हैवली। तो हम स्टिल्ट हाउसेज भी हमको मिल जाएंगे, लेकिन स्टिल्ट हाउसेज हमको वहाँ पर मिलेंगे, ये स्टिल्ट हाउस, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बरसता है। ठीक है, दे स्टैंड ऑन बैम्बू स्टिल्ट्स, और वो बैम्बू स्टिल्ट्स के ऊपर ही बनते हैं, बैम्बू स्टिल्ट्स के ऊपर खड़े रहते हैं। कैनवास आर हाउसेज ऑन व्हील्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड मोटर होम्स, दे कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये है कैनवास, तो जो कैनवास होता है उसको हम कहते हैं हाउस ऑन व्हील्स, घर जो कि पहियों के ऊपर होता है, वो उसको मोटर होम भी कहा जाता है, और वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। हाउस बोट्स फ्लोट ऑन वाटर, तो जो हाउस बोट्स होती हैं वो पानी में तैरती हैं, और दे आर फाउंड इन दाल लेक, और वो फाउंड, उसको हम दाल लेक में देख सकते हैं कश्मीर में, एंड द बैक वाटर्स ऑफ केरला, और केरला के नदियों में देख सकते हैं। ठीक है ना, मैनी पीपल्स वर्क टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस, तो कई सारे लोग साथ में काम करते हैं तब एक जाकर के एक घर बनता है। एन आर्किटेक्ट मेक द लेआउट ऑफ द हाउस, तो एक आर्किटेक्ट जो होता है वो घर का नक्शा बनाता है। आर मैंसन बिल्ड वॉल्स एंड रूफ्स बाई लेइंग ब्रिक, तो एक कारीगर जो होता है वो दीवारें और छतें बनाता है ईंटें जोड़ जोड़ करके। एंड इलेक्ट्रीशियन फिक्स अप द इलेक्ट्रिक फिटिंग एंड राइट वायर्स इन हाउस, तो जो एक इलेक्ट्रीशियन होता है, बिजली वाला, वो इलेक्ट्रिकल फिटिंग करता है, बिजली फिटिंग करता है और तारों की फिटिंग करता है हमारे घर में। अ प्लम्बर फिक्स अप टैप पाइप्स एंड वाटर टैंक इन द हाउस, तो जो प्लम्बर होता है वो हमारे यहाँ नल और पानी के पाइप और वाटर टैंक की देख रेख, वाटर टैंक उसी के अंडर होता है, वही बनाता है। अ पेंटर पेंट्स द वॉल टू मेक द हाउस लुक ब्यूटीफुल, जो पेंटर होता है वो दीवारों को पेंट करता है ताकि घर अच्छा दिख सके। अ कारपेंटर मेक्स वुडन ऑब्जेक्ट लाइक विंडोज एंड अलमीरा, तो जो कारपेंटर होता है वो वुडन ऑब्जेक्ट बनाता है, जैसे कि कारपेंटर मतलब जो लकड़ी काम करता है, जैसे कि विंडो हो गई और अलमारा, यानी कि खिड़की और अलमारी जैसी चीज़ें बनाता है। ठीक है, अब क्वालिटीज़ ऑफ गुड हाउसेज, तो वॉट आर द क्वालिटीज़ ऑफ गुड हाउसेज, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट द हाउस वेयर वी लिव मस्ट बी लार्ज, तो वो कोई ज़रूरी नहीं कि जिस घर में हम रहते हैं वो बड़ा हुआ। स्मॉल हाउस कैन ऑल्सो बी अ गुड प्लेस टू लिव इन, एक छोटा घर भी अच्छी जगह बन सकता है रहने के लिए, बट इट शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिटीज़, लेकिन उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए उस घर में। इट शुड बी एयरी एंड क्लीन, तो उसमें हवा आती जाती रहे, पास होने की वेंटिलेशन होनी चाहिए और साफ होना चाहिए। इट शुड हैव लॉट ऑफ प्लांट्स अराउंड, और उसके कई सारे पेड़ पौधे चौतरफा होने चाहिए। इट शुड बी वेल वेंटिलेटेड, और अच्छे से वेंटिलेटेड हो, हवा पास हो, दैट इज़ मैनी डोर्स एंड विंडोज शुड बी देयर टू लेट इन फ्रेश एयर एंड इनफ सनलाइट।
तो वेल वेंटिलेटर होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि कई सारे दरवाजे और खिड़कियां होनी चाहिए, जिससे कि फ्रेश जो ताज़ी हवा वो आए और सनलाइट भी घर के अंदर आ सके। इट शुड हैव क्लीन नेबरहुड, और आस पड़ोस अच्छा होना चाहिए। द ड्रेनेज सिस्टम मस्ट भी प्रॉपर एंड कवर्ड, और जो ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी का सिस्टम है, वो पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर होना चाहिए और कवर्ड होना चाहिए। वी कैन डेकोरेट द हाउसेज विद रंगोली पैटर्न पेंटिंग्स, तो हम अपने घर को सजा सकते हैं रंगोली से, पेंटिंग से, वेसेस से, वॉल हैंगिंग से और डेकोरेटिव लैम्प से। अ डेकोरेटेड हाउस मेक अस फील ग्रेट इन द होम, तो जो एक सजा हुआ घर होता है वो हमको बहुत अच्छी महसूस देता है, बहुत अच्छी फीलिंग्स देता है। इट्स डेकोरेशन मेक्स द हाउस कोजी एंड कंफर्टेबल, और उसका डेकोरेशन, घर का डेकोरेशन ही हमें घर जैसी फीलिंग देता है। ठीक है, सो हियर योर चैप्टर एंड्स। ऑन माई नेक्स्ट पीरियड आई कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस। थैंक यू।